राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। बैरिया प्रखंड के मलाही विंटोलिया में नवयुवक संघ के द्वारा गढ़ीमाई देवी स्थान परिसर में मेला और कुश्ती का हुआ आयोजन। आफ्ताब रोशन, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट एवं बिहार प्रभारी। बैरिया प्रखंड के दक्षिणी पटजिरवा के मलाही विंटोलिया गांव के बगल में एक छोटा गढ़ीमाई का स्थान परिसर में श्री कृष्णा जन्माष्टमी के बाद में मेले का आयोजन किया गया। मेले में रात और दिन में मनोरंजन के लिए नृत्य कला का आयोजन किया जाता है और दिन में कुश्ती और तंस वध होता है। इस मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण मेला देखने के लिए मौजूद थे और कुश्ती का आनंद लिए। इस मेले में कुश्ती का फीता काटकर अमर यादव और कमेटी का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने पहलवानों को हाथ मिलवाए और 5 जोड़ी पहलवानों को इस कुश्ती में मौका दिया गया, जिसमें 4 जोड़ी पहलवान बराबर रहे। प्रथम जोड़ी में इजहारुल हक पहलवान ने सागर सोनी पहलवान को मात देते हुए विजय प्राप्त की, जो कि सागर पहलवान किशुन पहलवान का चेला हार गए। वही विजय प्राप्त करने वाले इजहारुल हक, जो रनहा का निवासी है, वही बताया गया कि मेले में आए पहलवान अर्जुन कुमार, तारकेश्वर कुमार, किशुन, अलमीन, गुड्डू, राकेश, रंजीत, ये सभी पहलवानों का 12 बराबरी का मुकाबला रहा है। इस मेले में हाथी के द्वारा कंस का वध किया गया। इस मेले के बारे में समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार से बात की गई। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस काम में है उस काम में लगा रहे और उसकी रुचि बनी रहे, इसलिए इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहे और ये जरूरी है। इस तरह का आयोजन हो ताकि उनका अभ्यास बना रहे, उनका उत्साह हमेशा बना रहे, इसलिए इस तरह का प्रतियोगिता और दंगल का आयोजन हमारे कमेटी वाले लोग सबने मिलकर के किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अमर यादव, पूर्व जिला परिषद, मलाही बलुआ पंचायत के पूर्व मुखिया 2001 से लेके 2005 तक। यह मेला 35 बरस से कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर यह लगता है। यह मेला हमेशा भादो पक्ष में पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। यह 3 दिन का मेला लगता है। यहाँ कंस वध होता है। सभी लोग, 2 पंचायत मिल के, मलाही बलुआ और दसनी पटजिरवा, दोनों पंचायत का आपस में मेल होता है और ये दोनों पंचायत के नौजवानों, बुजुर्गों और भाइयों